बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इडियम्स के और फ्रेजल वर्ब के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हुआ। पहला इडियम देखिए, टू लूज हार्ट मींस टू फील डिसअपॉइंटेड, मायूसी महसूस करना, हिम्मत हार जाना, हौसला हार जाना। ही लॉस्ट हार्ट एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान में अपनी नाकामी के ऊपर हौसला हार बैठा। फिर है टू लुक डाउन अपॉन मीन्स टू हेट, नफरत करना, हकारत से देखना। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, अमीरों को नहीं चाहिए कि गरीबों को हकारत से देखें। टू मेक अवे विद, टू किल मीन्स टू किल, मार डालना, कत्ल कर देना। द लैंडलॉर्ड मेड अवे विद द लाइफ ऑफ हिज सर्वेंट, जमींदार ने अपने नौकर की जिंदगी खत्म कर दी, यानी उसे मार डाला। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू स्पेंड अ हार्ड लाइफ, बड़ी सख्त जिंदगी बसर करना, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना। द पुअर क्लर्क्स हार्डली मेक बोथ हैंड्स मीट नाउडेज, आजकल बेचारे क्लर्क बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। टू मेक हेडवे मीन्स टू मेक प्रोग्रेस, यानी तरक्की करना। पाकिस्तान इज मेकिंग हेडवे इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, पाकिस्तान जिंदगी के हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। टू निप इन द बड मीन्स है टू क्रैश इन द बिगनिंग, शुरू में ही कुचल देना, दबा देना, खत्म कर देना, शुरू में दबा देना। ट्राई टू निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू में कुचलने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश करो। टू पॉकेट इंसल्ट, टू बियर इंसल्ट मीन्स तजलील या तोहीन या बेइज्जती बर्दाश्त करना। ही अब्यूज्ड मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने मेरे दोस्तों की मौजूदगी में मुझे गालियां दी, बड़े पॉकेट इंसल्ट, लेकिन मैंने इंसल्ट बर्दाश्त कर ली। और पुल अ लॉन्ग फेस, नदामत वाला, शर्मिंदगी वाला चेहरा बनाना। ही पुट अ लॉन्ग फेस एट हिज इंसल्ट इन द क्लास, क्लास में अपनी तोहीन के ऊपर उसने नदामत वाला चेहरा बना लिया। और रैंडम शॉट है इतफाक के तौर पे, हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन वाज अ रैंडम शॉट, इम्तहान में उसकी कामयाबी इतफाकिया थी, रैंडम शॉट थी, इतफाकिया थी। और स्पीक एंड स्पैन मीन्स चुस्त, स्मार्ट और साफ सुथरा। ही लुक स्पीक एंड स्पैन इन हिज न्यू ड्रेस, वो अपने नए लिबास में बहुत चुस्त दिखता है। और साइड फॉर सोर आइज, पुरकशिश मंजर, चार्मिंग सीन। हर ब्यूटी इज अ साइट फॉर सोर आइज फॉर द पीपल, और उसका हुसन लोगों के लिए बड़ा ही चार्मिंग है, दिलकश है, पुरकशिश है। और टाइम एंड अगेन मीन अगेन एंड अगेन, बार बार। ही टुक द एग्जामिनेशन टाइम एंड अगेन बट फेल्ड, उसने बार बार इम्तहान दिया लेकिन नाकाम हुआ। एग्जामिनेशन देने के लिए टेक टू टेकन यूज करते हैं, और टेस्ट लेने के लिए अपने गिव और गिव और गिवन यूज करना होता है। और अंडर अ क्लाउड इन एडवर्सिटी, बुरे हालात में होना, ज़ेरे आताब होना। ही वाज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर्स इन द पास्ट, बट नाउ ही इज अंडर अ क्लाउड, मासी में वो अपने अफसरान की राय में अच्छा था लेकिन आजकल ज़ेरे आताब है। अब देखिए, इन द गुड बुक्स भी इसमें इस्तेमाल हुआ और अंडर अ क्लाउड भी हुआ। आप इन दोनों इडियम्स के लिए ये जुमला बना सकते हैं। टू फॉल अ प्रे टू, टू बी विक्टिम ऑफ, शिकार हो जाना। ही फेल अ प्रे टू द इविल प्लान्स ऑफ द रूलर्स, वो हुक्मरानों के बुरे मनसूबों का शिकार हो गया। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पर नमक छिड़कना। डू समथिंग इवन मोर हार्मफुल, ज्यादा नुकसान दे काम, पहले भी तकलीफ देना फिर ऊपर से मजीद नुकसान देना। ही इंसल्टेड मी एट फर्स्ट एंड देन अब्यूज्ड मी, पहले उसने मेरी तोहीन की और गालियां दी। इन दिस वे ही एड इंसल्ट टू इंजरी, इस तरह उसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। टुवर्ड्स द हैचेट मींस टू एंड एनमिटी, दुश्मनी खत्म करना, अदावत खत्म करना, मखासमत खत्म करना। लेट अस बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दुश्मनी खत्म करें और दोबारा से दोस्त बन जाए। तो ये फ्यूडियम से इंशाल्लाह अच्छी तरह आप तैयार करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों का मनानी उस नवासे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।